कार्तिक पूर्णिमा पर पतित पावनी राम का धाम राम रेखा धाम में लगभग 1.5 लाख श्रद्धालु पहुंचे और भगवान श्री राम लला का दर्शन किया। मौके पर 5 दिवसीय कार्तिक पूर्णिमा महोत्सव सह मेला का आयोजन में झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा के लगभग 1.5 लाख लोग राम रेखा धाम पहुंचे और राम लला का दर्शन पूजन किया। इस मौके पर राम रेखा मेला का शुभारंभ केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा व धाम के महंत उमाकांत महाराज के द्वारा किया गया था। मेले में झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा से लाखों लोगों ने मेले का आनंद उठाया एवं जमकर खरीदारी की। गैर आदिवासियों के साथ भारी संख्या में आदिवासी उरांव जनजाति समुदाय यहां पहुंचकर गंगा कुंड में स्नान करते हुए राम और माता सीता का दर्शन पूजन किया और अपनी आस्था प्रकट की। इस मौके पर बनारस, काशी विश्वनाथ, वृंदावन, मथुरा से संत महात्मा भी पधारे जिनका स्वागत किया गया। अग्नार कीर्तन, राम नाम यज्ञ भी किया गया। इस मौके पर राम रेखा धाम विकास समिति का पुनर्गठन किया गया जिसमें प्रधान संरक्षक दुर्ग विजय सिंह, दैव संरक्षक कौशल राज सिंह, दैव अध्यक्ष उमाकांत जी महाराज, कार्यकारी अध्यक्ष अमरनाथ बमलिया, सचिव ओम प्रकाश साहू, कोषाध्यक्ष पवन मित्तल को बनाया गया है। कार्तिक मेले के अवसर पर मुख्य रूप से पुरोहित भुवनेश्वर पंडा नागेश्वर, होता पुजारी चंद्रमणि दास, लक्ष्मण दास, महेश शुक्ला, जितेंद्र दास, भुवन दास, संतोष दास समेत अन्य लोगों ने महती भूमिका निभाई। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।